फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए साइट ऑफ इंजेक्शन, कि इंजेक्शन हम कौन कौन से साइट से देते हैं और कितने एंगल में देते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहें। तो आइए हम देखते हैं साइट ऑफ इंजेक्शन। साइट ऑफ इंजेक्शन में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि इंजेक्शन इंजेक्शन क्या है। द एक्ट ऑफ पुटिंग अ ड्रग और सब्सटेंस अंडर द स्किन ऑफ अ पर्सन बॉडी विद अ नीडल। ठीक है, किसी भी नीडल के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी नीडल के थ्रू या सिरिंज और क्या है नीडल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन की बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन, कोई भी सब्सटेंस है या फिर मेडिसिन है, अंडर द स्किन, स्किन के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, उस किसके थ्रू, नीडल के थ्रू। किसी नीडल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी में या स्किन में हम किसी सब्सटेंस को इंजेक्ट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, उसे बोला जाता है इंजेक्शन। द एक्ट ऑफ पुटिंग अ ड्रग अ सब्सटेंस अंडर द स्किन ऑफ अ पर्सन बॉडी अ नीडल। नीडल के थ्रू हम किसी पर्सन की बॉडी या स्किन में जो सब्सटेंस को पुट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब हम देखते हैं साइट ऑफ इंजेक्शन। साइट ऑफ इंजेक्शन में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। साइट ऑफ इंजेक्शन में सबसे फर्स्ट होता है इंट्रामस्कुलर, सेकेंड इंट्रावीनस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, थर्ड इंट्राडर्मल, फोर्थ सबक्यूटेनियस, ठीक है, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस। तो सबसे फर्स्ट इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहां पर दिया जाता है, मसल्स, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वहां पर हम जो भी मेडिसिन या जो भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देन इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन में हमारी जो वेन है, हमारी बॉडी की जो वेन है, वेन के थ्रू हम कोई भी सब्सटेंस या मेडिकेशन है, मेडिसिन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं बॉडी में, मतलब वेन के थ्रू पुट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रावीनस। देन इंट्राडर्मल, मतलब जो डर्मिस है, आपको डर्मल से ही समझ में आ रहा है, मतलब जो डर्मिस है, डर्मिस से हम किसी भी मेडिसिन को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्राडर्मल। देन सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मीन्स जो जो हमारी सबसे क्यूटेनियस वाली जो स्किन होती है ना, क्योंकि स्किन के भी क्या है टाइप्स हैं, तो जो सबक्यूटेनियस वाली जो स्किन होती है वहां से हम जो मेडिसिन है उनको हम प्रोवाइड करते हैं, जो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। किसके थ्रू करते हैं, नीडल के थ्रू करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो सबसे फर्स्ट हम डील करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन से साइट हैं, जिन साइट से हम क्या करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। सबसे फर्स्ट साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में सबसे फर्स्ट डेल्टॉइड, ठीक है, डेल्टॉइड में जो है, ये डेल्टॉइड का मिड डेल्टॉइड में हम देते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है डेल्टॉइड, ये हमारे डेल्टॉइड जो मसल्स होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्म में प्रेजेंट होती है, ये आर्म में, लेकिन हम कहाँ पर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी दे दिए, है ना। अब इतने में हमारी मसल्स हैं आर्म में, तो हम यहाँ पर किसी भी साइड पर नहीं देते हैं, ठीक है। जो हमारा ये एक्रोमेन फोसा प्रोसेस होती है, एक्रोमेन प्रोसेस, इससे थ्री फिंगर्स मेजर करते हैं हम, देन थ्री फिंगर्स के नीचे हम क्या करते हैं, जो डेल्टॉइड मसल्स है वहां पर मिड डेल्टॉइड में हम क्या करते हैं इंजेक्शन पुट करते हैं, या जो भी मेडिसिन है इंजेक्शन नीडल के थ्रू हम क्या करते हैं उसको पुट करते हैं। ये हमारा
ये हो गया एक्रोमेन प्रोसेस। इससे हमने क्या किया, थ्री फिंगर मेजर किया। थ्री फिंगर मेजर करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिड डेल्टॉइड में हम जो भी मेडिसिन जो सब्सटेंस हम दे रहे हैं उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डेल्टॉइड मसल्स। मतलब हम किस साइड पे दिए हैं, डेल्टॉइड साइड पे, मिड आर्म पर हम देंगे। देन नेक्स्ट है, तो ये हमने देखा डेल्टॉइड साइड। डेल्टॉइड साइड के बाद हम देखते हैं ग्लूटियल। ग्लूटियल को टू साइड डिवाइड किया है, डार्सो ग्लूटियल एंड वेंट्रो ग्लूटियल। वेंट्रो ग्लूटियल, तो हम डार्सो ग्लूटियल कहां पर देते हैं, ये हमारा बटक्स है, ठीक है। बटक्स का जो अपर क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जहां पर ग्लूटियस मेटियस मसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम देते हैं। देन वेंट्रोग्लूटियल साइड, वेंट्रोग्लूटियल साइड कहाँ पर, जस्ट इसके नीचे साइड पर, यहाँ पर ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स प्रेजेंट होती है, तो हम यहीं पर क्या करते हैं, इंजेक्शन को पुट करते हैं। डार्सोग्लूटियल में हम क्या देंगे, अपर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स एंड यहाँ पर मिड साइड पर। मतलब मैं आपको एक साइड से बता देती हूँ, ये हो गया आपका डार्सोग्लूटियल एंड वेंट्रोग्लूटियल। तो वेंट्रोग्लूटियल कहाँ पे आ जाएगा आपका, दिस साइड, ओके, बीच में मिड साइड पर हम क्या करेंगे, जहां पर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स प्रेजेंट है वहां पर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। जो भी सब्सटेंस मेडिकेशन दे रहे हैं हम कहां पर देते हैं, यहां पर इंजेक्ट करते हैं। और यहीं से क्या होती है, साइड से जो सियाटिक नर्व होती है वो जाती है, तो हम इसको डैमेज, जिससे क्या हो जाती है, अगर हम इस साइड पर देते हैं ये नर्व डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। और जो आईएम इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उसको हम कितने डिग्री पे देते हैं, 90 डिग्री पे देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो कितने एंगल पर देते हैं, कौन सी मसल्स में देते हैं, तो आपकी आ जाएंगी डेल्टॉइड, ग्लूटियल। अब आपने ग्लूटियल दिया, डार्सो ग्लूटियल दे रहे हैं, आप किस मसल्स पर देंगे, वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स दिया, तो ये आ जाएगा आपका डार्सो ग्लूटियल मसल्स, वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स, वहां पर ग्लूटियस मेटियस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन थर्ड आ गया हमारा वेस्टस लेटरलिस एंड रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। ये कहां पर देते हैं, हम थाई में देते हैं, ठीक है। ये हम कहां देते हैं, थाई में देते हैं, थाई को हम डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, थाई को डिवाइड किया, थाई को डिवाइड किया। दो वेस्टस लैटरलिस है, उसको हम किस साइड पे देते हैं, आउटर साइड पर देते हैं, ठीक है, जहां पर फीमोरल मतलब जो वेस्टस लैटरलिस है, जहां पर फीमोरल बोन प्रेजेंट होती है, वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है थाई में, वहां पर हम किस साइड पे देंगे इसको, ये जो आउटर साइड पर देंगे। और जो रेक्टस फीमोरिस है वो किस साइड पर होती है, इनर साइड पर होती है, ठीक है। वो किस साइड होगी, इनर साइड पर देंगे, और इसको हम कहां देते हैं, आउटर साइड पर देते हैं, यहां पर जो मसल्स है वेस्टस लैटरलिस और रेक्टस फीमोरिसिस, ठीक है। फीमोरिस भी कहां पर दिया हमने, थाई में, वेस्टस लैटरलिस मसल्स जो कहां पर होती है, फीमोरल बोन जो है उसके आउटर साइड पर होती है, और ये कहां पर होती है, इनर साइड पर होती है, रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। तो ये थे हमारे साइट ऑफ इंजेक्शन। साइट ऑफ इंजेक्शन में हमने देखा कि जो इंजेक्शन है वो क्या है, उसके बाद हमने देखा जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंजेक्शन के साइड देखा कि इंजेक्शन हम कौन कौन से साइड से देते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट हो गया था इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस। उसके बाद हमने डील किया कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो कौन कौन सी मसल्स में हम देते हैं, कौन कौन से साइड में देते हैं। तो हमने देखे कौन कौन से मसल्स में हम देते हैं, डेल्टॉइड,
डेल्टॉइड में हम कहाँ देते हैं? मिड डेल्टॉइड पे देते हैं, कहाँ पर? एक्रोमेन प्रोसेस के 3 फिंगर्स नीचे। और इंच में अगर हम देखें तो इंच में कितने नीचे दिया जाता है? 1 to 2 inch, ठीक है, 1 to 2 inch नीचे हम क्या करते हैं? एक्रोमेन प्रोसेस के जस्ट नीचे पे हम क्या करेंगे? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। फिर उसके बाद आ गया हमारा ग्लूटियल, ग्लूटियल मसल्स में वेंट्रोग्लूटियस और डार्सोग्लूटियल में देते हैं। फिर हमारा आ जाता है वेस्टस लैटरलिस एंड फीमोरस, रेक्टस फीमोरसिस, ठीक है। तो ये हमारे थे साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे इंट्रावीनस इंजेक्शन। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।